हरियाणा रोडवेज की बसें भी अब बारात में या फिर हम ये कह सकते हैं कि शादी समारोह में आम आदमी ले जा सकेंगे। बस उन्हें प्रति किलोमीटर के हिसाब से कुछ रुपए देने होंगे। हरियाणा रोडवेज ने 160 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक की चार पॉलिसी बनाई है, जिनके तहत कोई भी आम आदमी हरियाणा रोडवेज की बस को बारात में ले जा सकेगा। बस में चालक परिचालक के साथ तमाम वो सुविधाएं दी जाएगी जो हरियाणा रोडवेज के सफर में आम सवारियों को मिलती है। ऐसा है, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सरकार की पहले से ही पॉलिसी है, हम किसी भी ब्याह या किसी भी पार्टी के लिए या किसी भी प्रोग्राम के लिए हम सरकार की बस को बुक कर सकते हैं, जो सरकार की नियम और हिदायत हैं उसके अनुसार। इसके लिए जो सरकार के पैरामीटर हैं, जो स्लैब बनाए हुए हैं, उसमें 160 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 240, 280, 300 और 300 से ऊपर, इस हिसाब से स्लैब बनाए हैं, उसके हिसाब से हम इन गाड़ियों को बुक कर सकते हैं। जो सरकार के रेट हैं इसमें 62.46 रुपये इसके जो पर किलोमीटर के रेट निर्धारित किए गए हैं। इसमें इसके 15% सिक्योरिटी जमा होती है जो बाद में रिटर्न हो जाती है और 500 रुपये परमिट फीस रहती है। शादी समारोह में हरियाणा रोडवेज की बस का किराया 62 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से देना होगा, जिसमें जो सवारियों को सुविधाएं मिलती है वो तमाम सुविधाएं बाराती भी ले सकेंगे। इसके लिए एक दिन पहले आकर कुछ राशि जमा करवा कर काउंटर पर बुकिंग की जाएगी और निर्धारित समय पर बस बारात के लिए पहुंच जाएगी। बस की 52 सीटों पर सवारियां बैठने के अलावा जो भी बाराती बस में अतिरिक्त बैठेगा उसका अलग से किराया देना होगा। आम आदमी पार्टी के लिए हरियाणा रोडवेज की बसें बारात में ले जाने से कहीं न कहीं हरियाणा रोडवेज को भी इससे फायदा होगा और आम आदमी भी बारात में हरियाणा रोडवेज की बस के सफर का आनंद ले सकेगा। कैथल से वीरेंद्र पुरी की रिपोर्ट।